नील, ये कुर्ता देखने, तेरे पे एकदम सूट करेगा। ऑनलाइन 250 में दिखा रहा है, ले लो तेरे लिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये देख तो, ये फॉरेनर पे देख कितना सरस लग रहा है, तेरे पे भी लगेगा। मम्मी नहीं चाहिए मुझे। अरे लेकिन क्यों नहीं चाहिए? मम्मी प्लीज जरा शांति रखिए। अब मैं जा रही हूं ना वैष्णो देवी एक डेढ़ हफ्ते के लिए, फिर बरोबर से मिल जाएगी तुझे शांति। मम्मी सच बताइए, आपको क्या हुआ है? क्या चाहिए आपको? तुझे पता है मुझे क्या चाहिए? 6 महीने हो गए तो अभी तक उसके लिए रुका है, उसका ना कोई कॉल आया है ना कोई मैसेज। चल ना अबे, मूव ऑन करने बेटा। जैसा आप कहो। सच्ची? मैं ना माँ के सामने तेरे लिए एक अच्छी सी बीवी मांगने वाली हूँ। मैं जैसे ही मुंबई आऊ हम दोनों मिलके अच्छी सी लड़की ढूंढते हैं तेरे लिए। चल हमें मुझे तैयारी करनी है। हंस रहा है। वाह, सो फाइनली यू रियलाइज। हाँ मतलब मुझे लगा था तुम एक हफ्ते में बता दोगी। एक हफ्ता हुआ, महीना हुआ, 2 महीने हुए, 6 महीने हुए। मैंने तो तुम्हें वक्त दिया था, तुमने मुझसे अरसा ले लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, मैं पकड़ लेता हूं। क्या हूं? सच बताओ, इन 6 महीनों में तुम्हें एक भी बार नहीं लगा कि मिलना चाहिए? अरे अरे क्या अरे? अरे मैंने तुम्हें मैसेजेस किए थे, कॉल किए थे, एक नहीं दो नहीं पूरे 15 कॉल किए थे मैंने। अरे पर आदमी बिजी हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन जब वो फ्री हो जाए तब तो उसे रिवर्ट करना चाहिए ना। हाँ उसे रिवर्ट करना चाहिए, पर तुम्हें क्या पता, शायद वो तुम्हारे 16वें कॉल के इंतजार में। इंतजार तो किया था तुमने, अगर इजहार किया होता तो हम भी आशिक होते। तो क्या सोचा है तुमने? नील मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है? नहीं। तुम्हें और कोई लड़का पसंद है? नहीं। तुम लेस्बियन हो? नहीं, आई एम स्ट्रेट। तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है? नहीं। तो करनी है? नहीं। अरे तो क्या करना है? तुम्हें कुछ बताना था मुझे। कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ। क्या? हाँ हाँ मतलब नहीं। हाँ मतलब नहीं मतलब क्या? हाँ मतलब बताना नहीं है। तो मैं जाऊँ? हाँ नहीं नहीं नहीं। पक्का नहीं? हाँ। तुम कुछ बताने वाली थी। नील आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। मतलब मुझे तुम पसंद हो पर क्या? पर तुम मेरे घर पे 7 दिन आए थे तो भाई ने कहा कि दूसरों के घर पे कोई भी अच्छा रहता है। तो क्या तो क्या तुमने
मेरे घर पे अच्छा बिहेव किया, पर तुम्हारे घर पे तुम कैसे बिहेव करते हो? नहीं तो एक काम करो, बैग भरो और सीधे मेरे घर आ जाओ, बस। सॉरी, मुझे थोड़ा गुस्सा आया था। इट्स ओके, काम डाउन। आई एम ओके, अभी गुस्सा नहीं। तो क्या तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊं? मैं? हाँ, अभी तो तुमने कहा कि बैग भर के मेरे घर पे आ जाओ। अरे वो तो मैंने गुस्से में कहा था ना। अरे पर अभी तो तुमने कहा कि तुम गुस्सा नहीं हो। एक मिनट, टेल मी स्ट्रेट, यू रियली वॉन्ट टू कम टू माई हाउस? तो तुम्हें ये कहना था? देखो, मम्मी वैष्णो देवी गई है तो मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, इतना भरोसा है तुम पे। लेकिन मुझे नहीं है ना। तो क्या सोचा है तुमने, मतलब कितने दिनों के लिए तुम आने वाली हो? पता नहीं। पता नहीं मतलब? मतलब जब जवाब मिल जाएगा चली जाऊंगी। ये भी ठीक है। तुम्हारा आइसक्रीम याद है तुम्हें? हाँ। वेटर, दो वैनिला आइसक्रीम। वेलकम टू माय गरीब खाना। आई एम सो सॉरी, मैं दोपहर को ही आने वाली थी पर पैक भरते भरते रात कब हो गई समझा ही नहीं। इट्स ओके। द वे नाइस हाउस। थैंक यू। पानी? नो थैंक यू। बाय द वे, तुम्हारे सोसाइटी में बहुत शांति है। थी शांति? थी मतलब? अभी तुम आई हो, कैसे हो सकती है शांति? वेरी फनी। बाय द वे, कोई मुझे बताएगा मेरा रूम कहाँ है? पहले क्या खाना है वो तो बताओ। मैंने ऑलरेडी पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, 5 मिनट में आता होगा। क्या बात है। कोई बताएगा मेरे रूम का रास्ता? ये मम्मी का रूम है, ये मेरा रूम है। मम्मी बाहर गई है तो आज से वो मेरा रूम। ओके। और मेरा रूम आज से तुम्हारा। ओके, मैं फ्रेश होके आती। मैडम। हाँ। आपके घर की तरह इस घर के भी कुछ रूल्स हैं। इज इट? यस। ओके, टेल मी। सुबह उठते ही मैं पूजा करता हूँ। पूजा करते वक्त आवाज आ सकती है, डिस्टर्ब हो सकता है। okay. इस घर की किसी भी चीज को आप हाथ लगा सकती हो, लेकिन ली हुई चीज उसी जगह पर रखना अनिवार्य है। ओके। यहाँ वहां वस्तुओं को फेंकना सख्त मना है। बाथरूम और टॉयलेट से बाहर निकलते वक्त लाइट्स और फैन बंद करना मत भूलिए। सीरियसली? सीरियसली मत भूलिए। कूल, शुड आई लीव नाउ? रुकिए। हाँ? प्लीज डोंट लीव। डोंट लीव रुकिए, डोंट लीव रुकिए, प्लीज डोंट लीव। अरे रुकिए, डोंट लीव, शट अप रुकिए, डोंट लीव रुकिए, रुकिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठ गई तुम? हाँ, आज अर्ली लॉग इन करना था। अच्छा, बाय द वे, गुड कॉफी। थैंक यू।
ये शेयर मार्केट कैसे वर्क होता है? ये कुछ देर में बताता हूँ मैं। मतलब अभी एक ट्रेड कर रहा हूँ मैं। अच्छा गणपति अप्पा मोरिया। यस विकी, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन तुला सुद्धा। नाही काही नाही आहे, ऐक ना मी आरामशीर फोन करतो तुला, ठीक आहे? बाय। क्या हुआ? अरे कुछ नाही, बताओ ना क्या हुआ। अभी जस्ट मैंने 50,000 का प्रॉफिट बुक किया। व्हाट? हाँ, मतलब सुबह से मैं आइडल पोजीशन का वेट कर रहा था, फाइनल वो पोजीशन आ गई और मैंने एग्जिट ले ली। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी वो सब छोड़ो, लेट्स सेलिब्रेट। यस, बताओ क्या खाओगी? आइसक्रीम नहीं, केक, वफल, एनीथिंग विल वर्क। एनीथिंग एल्स? पापड़ा, ढोकला, खमन, थेपले, हाँ, उंधियो? नो पापड़ा प्लीज। By the way, ये विकी कौन है? अरे वो छोड़ो, सीक्रेट है क्या? तो अरे मेरे बचपन का दोस्त है, इंस्टाग्राम पे कुछ ही दिनों पहले उसका मैसेज आया था, मिलने के लिए बुलाया था, फिर उसने बताया कि वो गरीब है, माँ और बहन की जिम्मेदारी अकेला संभाल रहे हैं। ओके। क्या आगे? क्या आगे? कुछ नहीं है, जैसे मुझे प्रॉफिट हुआ वैसे आज उसे भी हुआ, उसका भी पोर्टफोलियो मैं ही हैंडल करता हूँ ना। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग? नहीं बिल्कुल नहीं, उसकी माँ बीमार है तो नहीं। कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं। फ्री? हाँ एकदम फ्री। सी, आई रिस्पेक्ट यू, पर इन सब चीजों में मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। जब सामने माँ हो ना तब चीजें प्रैक्टिकल नहीं इमोशनली सोचनी चाहिए। सॉरी, मतलब मेरा मतलब ये नहीं था। इट्स ओके। बाय द वे, 50,000 दिन का प्रॉफिट, तुम तो गजनी के संजय सिंघानिया निकले यार। मैडम ये रोज नहीं होता है, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। लॉस? हाँ तो कितना? डिपेंड, कभी यूज कभी स्मॉल। तो फिर क्या करते हो? तो फिर मैं आंखें बंद करता हूं और 3 बार बोलता हूं, नील राणे। करेक्ट, वेरी फनी। चलो मैं अभी लॉग इन करती हूँ, यू कंटिन्यू। यस, मैं ऑर्डर करता हूँ, ऑर्डर आने के बाद नॉक करता हूँ। कूल। क्या देख रहा हूं मैं? क्यों, मैं यहां आ नहीं सकती क्या? नहीं बिल्कुल आ सकती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली आई हैव मीटिंग आफ्टर 2 आवर्स, तो सोचा तब तक कुछ बना लूं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? 6 महीने में बहुत कुछ सीख लिया मैंने। जैसे कि रोटी सब्जी, दाल चावल, फ्राइड राइस और 7-8 सब्जियां। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। रुको, 1 घंटे बाद ये कहना। से थैंक्स। थैंक्स तो मैंने मेरे भाई को कहा।
ये क्या बात हुई? तुम जाने के बाद मैं भाई के पास चली गई थी, तो मैंने भाई को बोला कि मुझे खाना बनाना सीखना है। फिर तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा लेक्चर दिया, तुम्हें खाना बनाना नहीं जमेगा, तुम करियर पे फोकस करो, तुम्हें टाइम कहाँ मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर क्या, डीमोटिवेशन इज मोटिवेशन फॉर मी। 30 की उम्र में मैं अगर खुद के लिए खाना भी नहीं बना सकती तो आई शुड फील सॉरी फॉर माई सेल्फ। खाना बनाना अच्छा लगना नहीं लगना अलग बात है, पर आना तो सबको चाहिए, इट्स अ नेसेसिटी। ये कहीं सुना सुना सा लग रहा है ना? हाँ ना, बाबा नील से ही सुना होगा। करेक्ट, पर सेल्फ रियलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है ना? और यही अच्छा है, तुम्हें कोई कुछ भी बोले लेकिन जब तक अंदर से फील नहीं होता ना, तब तक कुछ नहीं होता। क्या बना रही हो तुम? आलू की सब्जी। द यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब? अरे आलू की सब्जी यूनिवर्सल है, कहीं पे भी चल जाती है। एक्सप्लेन। आलू की सब्जी किसी भी मसालों में घुल जाती है, जैसे कि स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी, स्वीट, फिर भी उसने अपना इंपॉर्टेंस रखा है। आलू के बिना खाना अधूरा है। तुम्हारे पास हर चीज के लिए स्पेशल स्पीच रेडी होती है ना? बिल्कुल। वो आलू है बस। नॉट आलू, आलू द यूनिवर्सल ट्रूथ। अनकंफर्टेबल चीजों में जाके घुल जाना इट्स डिफिकल्ट, और उसका स्वाद बढ़ाना इट्स टू मच डिफिकल्ट। लुगेसी, लव, हेलो आलू, जाओ ना। रुगेसी अब भी क्या, अभी जाओ। रुगेसी खाना आने के बाद बताना मुझे। नहीं बताऊंगी। अरे आप, हेलो, आइए आइए। एक मिनट। आपने बस थोड़ी देर कर दी आने में, रुकी से अभी चली गई। पता है मुझे जी। अरे मतलब मैं फ्री था तो सोचा दोनों को मिल के आओ। अच्छा, यस। पानी? यस यस, चले प्लीज आप बैठिए। यस बैठ। पानी लो। बैठो। सो कैसे चल रहा है तुम्हारा ट्रायल पीरियड? मतलब मुझे ये सब पसंद नहीं है, बट आजकल तुम्हारी जनरेशन में ये सब तो होता है जी। बाय द वे, ये आइडिया किसका था? कौन सा? यही मृगु को यहां रहने लाने का। मृगु का ही? मतलब मृगसी का ही। अच्छा, अब चाय लोगे? चाय? अरे लुक व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू, जेमसन स्कॉच।
ये पीते हैं। नहीं नहीं, यू डोंट ड्रिंक? नहीं मतलब पीता हूँ लेकिन ओकेजनली, घर पर नहीं। लिटिल लिटिल? नहीं। आर यू श्योर? नहीं। थोड़ा सा? अरे नहीं। ओके। एटलीस्ट कैन वी हैव अ स्मोक हियर? नहीं मैं स्मोक नहीं करता, घर पर कुछ भी नहीं। ओके वैसे घर ओके है तुम्हारा, तुमने लिया? नहीं बाबा ने। तो फिर तुम्हारा घर यही है? मतलब तुमने सोचा नहीं इस बारे में? किस बारे में? अरे तुम्हारे घर लेने के बारे में। नहीं कभी नहीं। तुम रुकसी से शादी करते हो तो लेना ही पड़ेगा ना तुम्हें अपना घर। क्यों? अरे उसे लगेगा अपना घर। तो ये घर है ना। नील, she will need her own space. तो वो बेडरूम उसके स्पेस के लिए? ऐसे नहीं होता नील, मृगसी को आराम से रहने की आदत है। तो इस घर में वो आराम से रह सकती है? तुम समझ नहीं रहे हो नील। देखो आजकल के जनरेशन में ये सब लगता है। अरे वो काम से लेट आएगी, लेट उठेगी, तुम अगर अपनी मम्मी से अलग रहो तो। लेकिन वो लेट क्यों उठेगी? क्योंकि उसका काम वैसा है नील। लेकिन उसे काम करने कौन देगा? एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? काम पे मैं जाऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, वो बस घर संभालेगी। नाउ आई गॉट योर पॉइंट, यू आर गेटिंग मी राइट? नहीं बिल्कुल नहीं। तो तुम क्या बोल रहे हो नील? सच तो बोल रहा हूं मैं। अरे क्या सच बोल रहे हो तुम? बॉस ये इक्वालिटी का जमाना है। आप मानते हो इक्वालिटी? ऑफ कोर्स, इक्वालिटी हैज नो जेंडर। अच्छा आपने ये सवाल कभी मृगसी से पूछा कि तुम घर कब लोगी? आपने बोला है उसे कि तुम्हें खुद का स्पेस चाहिए तो नया घर लेना पड़ेगा, तो बस उसके शादी के पीछे पड़े हो। लेकिन शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसे सीखा है उसने? आपने पूछा है कभी? अब तो उसे खाना बनाने भी नहीं देते। क्या कहा आपने? इक्वलिटी हैज नो जेंडर। अगर हम इक्वल हैं तो जिम्मेदारियां भी इक्वल शेयर होनी चाहिए ना। सही है तुम्हारी बात नील, बट उसका भी करियर है। ऑफ कोर्स, और मैं किसी के करियर डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। अगर आपको करियर इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है कि घर की जिम्मेदारियां निभाई ना सको, तो सिर्फ और सिर्फ करियर पे फोकस करो। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ करियर पे फोकस करना है तो शादी क्यों करें? नहीं मतलब मैं भी करियर ओरिएंटेड हूं, लेकिन जब मेरे रिश्तों का सवाल आता है तब मेरी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। और ये मेरा इंडिविजुअल कहना है, ये मैं किसी पे थोप नहीं रहा। अगर उसे जॉब करनी है तो वो जॉब करे, उसे शादी करनी है तो शादी करे। हमें जो कुछ भी करना है बस हम वो अच्छी तरह से निभाए। मुझे तुम्हारी जनरेशन का ना जमता ही नहीं। आप में और मुझ में बस 5 साल का डिफरेंस है, तो जनरेशन की बात वैसे हुई नहीं। और हर इंसान को दूसरे की बात जमनी चाहिए, ये कोई कंपल्शन भी नहीं है। हर इंसान की बात अपनी अपनी जगह सही हो सकती है। जैसे आप अलग हैं, वैसे हमारी सोच भी अलग। हमें बस जीतना है बहस में। दूसरे के सोच का रिस्पेक्ट भी होता है करने के लिए। और जो भी आपके बारे में मृगसी ने मुझे कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप जितने केयरिंग हैं। तो अगर आपके मम्मी पापा का एक्सीडेंट नहीं होता तो आप भी उन्हें छोड़ किसी और घर सेटल होने नहीं चाहते। नील मैं मृगसी को जानता हूं, वो ये सब नहीं कर पाएगी। इसे जानना नहीं अंडर एस्टिमेट करना कहते हैं। मतलब आपके लिए आज भी वो आपकी छोटी लाडली मृगु है, लेकिन वो 30 साल की हो गई है। शी इज मच्योर इनफ। तुम कुछ नहीं करोगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे कहोगे तो
तो वो सच में कुछ नहीं करेगी। लेकिन तुम कर सकती हो, तुमसे हो पाएगा कहोगे तो वो कब कर लेगी आपको भी नहीं समझेगा। तुम्हें ये सब आसान लगता है? एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के दूसरे के घर में रहने आती है, कैसे करेगी वो एडजस्ट? वैसे ही जैसा एक लड़का करता है। 30 साल जिस घर में रहा है, जिस रूम में पला बड़ा है, उस घर की किसी भी चीज को उसने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। उस घर में अचानक एक लड़की आती है, उसकी सारी चीजें शेयर करने लगती है, उसका रूम, उसका बेड, उसका वॉशरूम, यहां तक कि उसके मम्मी पापा, वो भी तो एडजस्ट करता है। स्ट्रगल दोनों का है, दोनों को भी करना है। और मृगसी ने कहा था ये समझदार है। समझदार का पता नहीं, लेकिन लेकिन मैं लॉजिकल बोलता हूं। अरे आप मृगसी से मिलके तो जाइए। पानी दो। नो थैंक यू। थैंक यू। हाँ एक्टिक मीटिंग थी। आजकल लोगों को उन्हें आखिर क्या चाहिए रहता ना पता ही नहीं होता। अनगिनत लोग, अनगिनत स्वभाव। यू चिल। थोड़ी देर कर दी आने में। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे भाई आए थे क्या? मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ, फोन उठा ही नहीं रहे। कल कॉल करना, शायद आज नहीं उठाएंगे। ओके। ये क्या है? उन्हीं का है। क्या? मुझे पूछ रहे थे स्मोक करेगा क्या। सीरियसली? हाँ। अरे वो सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते। एक बार हमारे सोसाइटी के गार्डन में कोई तो स्मोक कर रहा था तो उन्होंने डायरेक्ट 100 पे कॉल लगा दिया। अच्छा। मैंने खाना बनाया, तुम फ्रेश हो जाओ। ठीक है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, मेरे भाई थोड़े ओवर पजेसिव है। ओवर पजेसिव होना और गलत होना फर्क है। ओके। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूं। मुझे कोई उस तरफ ले चलो। मर जाता तो? हाँ भाई, अंधा ही तो हूँ, कुछ भी देख नहीं सकता। कितनी देर से पुकार रहा था लेकिन किसी ने रास्ता नहीं पार कराया। क्या देख रहे हो ये? दोस्ती। क्या है ये? फिल्में। ब्लैक एंड व्हाइट? मुझे पुरानी फिल्में पसंद है। सो ओल्ड स्कूल। सकती हूँ। अच्छा मुझे बात बताओ, ये अभी शुरू हुई है या खत्म हो रही है? सातवीं आठवीं बार देख रहा हूँ ये फिल्म। मेरे लिए स्टार्टिंग एंडिंग ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं कुछ और देखूं प्लीज? प्लीज मुझे कोई प्लीज ना। आतापर्यंत 5-6 मुलं पाहिली। आयपीएल मधल्या राड्यानंतर विराट आणि नवीन उल हक ही पहिल्यांदाच मैदानावर आमने। चलो छोड़ो, हम कुछ बात करते हैं। इंटरेस्टिंग। मुझे बताओ।
तुम्हें शेयर मार्केट के अलावा और क्या पसंद है? बताओ ना। फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना, किताबें पढ़ना, बातें करना। ओके, तो फिल्मों में तो तुम्हें ओल्ड फिल्म्स ही पसंद होगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 60% ओल्ड मूवीज और बाकी अभी की। ओके, तो लेटेस्ट थिएटर में जाके कौन सी फिल्म देखी? एक दो साल हुए मुझे, मैं थिएटर गया ही नहीं। आर यू सीरियस? हाँ, ओटीटी का जमाना है, इतना बड़ा टीवी लिया है, पैसे तो वसूल होने चाहिए। ये सब छोड़ो, तुम्हें क्या पसंद है? लेटेस्ट फिल्म्स, स्पेशली लेटेस्ट फिल्म्स। स्पेशली लेटेस्ट फिल्म क्या होती है? अरे मतलब हमारी फिल्म्स, मतलब जिसमें हम खुद को देख सके, रिलेट कर सके। जैसे कि मतलब ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे तुमने रिलेट किया? अरे है ना, बहुत सारी है। मराठी, तेलुगु, मलयालम, गुजराती। I don't watch regional stuff, I watch only Hollywood and Bollywood. ओह, तो उसमें से ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसे तुमने रिलेट किया? हाँ, तुम्हारी टॉप थ्री फेवरेट मूवीज मुझे बता। ओके, गहराइया, ZNMD, दृश्यम और एनिबल। अच्छा, तो गहराइया तुम रिलेट करती हो? और लाइफ के प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए तुम 20-25 लाख खर्च करके घूमने जाती हो, स्पेन, इटली, फ्रांस। और क्या कहा तुमने? रीजनल फिल्म तुम्हें पसंद नहीं है। 100% इंस्पायर्ड फ्रॉम रीजनल फिल्म दृश्यम तुम्हें अच्छी लगती है? क्या बात है। एनिमल मैं समझ सकता हूं, उसमें और तुम में सिमिलरिटीज हैं। वेरी फन। एक मिनट, वहां पे देखो, थोड़ी आंखें बड़ी करो, थोड़ी और बड़ी, सेम टू सेम। तुम्हें ना इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, ऐसे कॉमेडी करके फेमस हो जाओगे। मैडम, मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हूँ, बस ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। अगेन ओल्ड स्कूल। अरे सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, जरूरत है हमारी। हाँ, तुम्हारे लिए हो सकती है, पर मुझे सोशल मीडिया पे टॉक्सिक फील होता है। व्हाट टॉक्सिक? अरे मतलब जिन चीजों से हमें शर्म आती थी, मतलब मुझे अभी भी आती है, वो चीजें हम प्रमोट कर रहे हैं। अरे पर गलत तो नहीं है ना? मेरे लिए है। जैसे? जैसे दिन भर कुछ नहीं करना, जीरो प्रोडक्टिव रहना, आलसी होना। आई एम सो लेजी के स्टेटस देखे मैंने। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ। इन सारी चीजों को कूल दिखाने वाले मीम्स लोग शेयर करते हैं। पहले हम कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम ढूंढते थे, पर अभी किसी आउटफिट को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया के सामने अपने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने वाले रील्स देखे मैंने। प्रमोट आउटफिट को करना है या खुद को? अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए लड़कियां क्लिवेजेस दिखा रही हैं, और जिन्हें वो नहीं है वो मर्द औरतें बन रहे हैं। फ्रीडम के नाम पर लोग कुछ भी कर रहे हैं। हम ऐसी ही बात करते हैं, ये टैग लगाकर लोग गालियों से भरे रील्स अपलोड कर रहे हैं। मुझे ऐसे फेमस नहीं होना है। नहीं मतलब कुछ लोग अच्छे हैं जो अपनी फील्ड की नॉलेज रखते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, कुछ एक्चुअल फनी भी होते हैं, वो अच्छे हैं। वही है ना, हम क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। दूध या कोल्ड ड्रिंक क्या लोगी तुम? कोल्ड ड्रिंक। एक्सेसिव शुगर है, केमिकल्स है, एसिड्स है, तो भी तुमने क्या चूज किया? कोल्ड ड्रिंक, हेल्दी दूध नहीं। हम क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, पर सच ये भी है कि हमें टॉक्सिक चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ट्रू दैट, पर टेक्नोलॉजी के प्रोज और कॉन्स तो होंगे ही ना। मतलब जैसे नुकसान है वैसे फायदा भी है। मतलब हाँ, अभी ऐसी लड़कियां हैं जो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्लीवेजेस दिखाती है, पर ऐसी भी लड़कियां हैं जो उसी इंस्टाग्राम पे कत्थक करती, गाली देने वाले लड़कों के साथ ऐसे भी लड़के हैं जो पेंटिंग्स करते। बहुत सारे लोग उनके आर्ट फॉर्म को उसी मीडियम से लोगों के सामने रख रहे हैं। सी, सोशल मीडिया एक नया मार्केट बन रहा है, लोगों के बिजनेस बढ़ रहे हैं। और तुमने भी तो कहा था ना कि तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड ने तुम्हें सोशल मीडिया से तो ढूंढा था, तो मुझे भी लगता है कि तुम्हारा टैलेंट लोगों के सामने आना चाहिए।
आई गॉट यू मैम, लेकिन मैं भला, मेरा मार्केट भला, हफ्ते में 30-40 हज़ार प्रॉफिट कमा लूं, आई एम हैप्पी विद इट। अरे इसमें तुम्हारा प्रॉफिट कहां से आया बीच में? अरे उसी पे तो है सब कुछ, इमोशंस का रास्ता आखिर पेट से ही तो निकलता है। इसीलिए मुझे तुम अच्छे लगते हो। क्या बोला तुमने? मतलब हाँ हाँ बोलो बोलो। मतलब तुम ओल्ड स्कूल हो। ओल्ड स्कूल हूँ पर इमोशनल भी हो। इमोशनल भी और प्रैक्टिकल भी हो। प्रैक्टिकल भी हो शायद परफेक्ट हो तो ये रिश्ता मैं पक्का समझू। इतनी भी क्या जल्दी है? तो कब? कल मैं निकल रही हूँ तो जाते जाते आंसर देते जाऊंगी। और कल मुझे कुछ हो गया तो? तो तुम्हारा मंत्र है ना? कौन सा? तुम्हें पता है? नहीं पता है। पता है? नहीं सच में नहीं पता है। बोलो ना बोलो। नील राणे। नील राणे। जाओ ना। रुगसी। नील राणे। रुगसी नील राणे। रुगसी। सुजय घोष, नागराज मुंजोले, इनकी फिल्म्स बहुत कमाल की होती है। गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ है तुम्हें? बोलो ना। अब 4 लाख का लॉस हुआ है मुझे। मैं रिकवर कर लूंगा। तुम निकल रही हो? और तुम्हारा जवाब बताने वाली थी। हाँ, नहीं मैं निकलती हूँ। मम्मी जी, 1 महीना हो गया है। मुझे लगता है अब हमें मिलके ही ये सुलझाना होगा। कैसे? देखिए, हमें ये तो पता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे मेरे बेटे का पता है, रुक्सी का नहीं। ट्रस्ट मी मम्मी जी, वो भी करती है। बेटा वो चाहती क्या है? मम्मी जी, मैं ये चाहता हूं कि नील एक परमानेंट जॉब करे तो।
देख बेटा, मैं तेरे जितनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, लेकिन तेरे मम्मी के जैसी हूं, तो कुछ बोलू तो बुरा मत मानना है। नहीं नहीं मम्मी जी। मुर्खसी कितना कमाती है, उसे क्या आता है क्या नहीं आता, ये ना मैंने कभी नील से पूछा, ना मुर्खसी से, ना कभी तुम से पूछा, बरोबर? अगर उनमें प्यार करने की अकल है तो निभाने की अकल भी आ ही जाएगी। हम उनके पेरेंट हैं, हमें उन पे इतना भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। इसके अलावा उनकी लाइफ में उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें मैं टांग अड़ाने वाली नहीं, और ना ही ये तुम भी करो। बट मम्मी जी हम। और एक चीज, तुम लड़की के भाई हो, तुम्हारी चिंता मैं समझ सकती हूँ, मैं भी किसी और के घर से इस घर में आई हूँ। मम्मी जी मैं, मुर्खसी पे शादी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो जो भी डिसीजन ले हम दोनों उसका रिस्पेक्ट ही करेंगे, लेकिन अगर उसका डिसीजन हाँ है तो मैं नहीं चाहती कि उसके बाद आप या मैं उनकी लाइफ में हमें क्या चाहिए ये फोर्स करें। हम बस उनसे प्यार करेंगे और जब उन्हें हमारी जरूरत हो तो उनके साथ रहेंगे, बरोबर? तेरी चाय ठंडी हो रही है, पी ले। हेलो। हेलो। आई एम सॉरी नील। इट्स ओके। मुझे तुमसे मिलना है। मुझे कुछ वक्त चाहिए। मतलब अब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कश्मकशियाँ नई शुरुआत है पता नहीं। मिलेंगे ना मिलेंगे फिर कभी ये पता नहीं। मिलेंगे ना मिलेंगे फिर कभी ये पता नहीं। कश्मकशियाँ नई शुरुआत है पता नहीं। कश्मकशियाँ नई शुरुआत है पता नहीं। कश्मकशियाँ नई शुरुआत है।